अगर आप एक सेल को बड़ा या छोटा करते हैं तो जितने भी सेल्स आपने सिलेक्ट किए थे वो सभी बड़े और छोटे हो जाएंगे। अगर आपने इको किया है जो सिलेक्टेड सेल्स हैं सिर्फ वो ही, ठीक है। तो हम इनको क्या कर रहे हैं, इसको इन सभी को हम सिलेक्ट कर रहे हैं इस पूरी रो को, और इसको हम बीच में कर लेते हैं, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और इसका कलर रेड कर दिया। और अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हम पूरी को सिलेक्ट कर रहे हैं डाटा को। देखिए अभी थोड़ा सा अपना ये ऐसा लग रहा है पास पास लिखे हुए, तो हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर जाकर हम इसको कर देते हैं ऑल वर्ड, तो ये अलग अलग समझ में आने लगेगा। अब इसके बाद अपन को निकालना है इन सभी का टोटल, टोटल लिखेंगे यहाँ पर। टोटल निकालने के लिए हमने इसको पहले अपन कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, पेस्ट पर जाएंगे और यहाँ से पेस्ट वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब हमारा चेंज नहीं होगा बाद। अब हमें क्या करना है, टोटल निकालना है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और इसको नीचे की साइड ड्रैग करेंगे और आगे तक जिसमें हमें टोटल चाहिए उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। हमने आपको संभल वाला फॉर्मूला बताया था, सभी को आता है ना, कर लेंगे ना, हम सिर्फ ऐसे ही बताना है। अब आपको बस सभी का सम निकालना है, तो आप क्या करेंगे, सभी को सिलेक्ट करेंगे, एक एक्स्ट्रा सेल सिलेक्ट करेंगे जिसमें अपन को नंबर चाहिए और ऑटो सम पर क्लिक कर देंगे, तो सभी का आपको क्या करेगा प्लस करके दे देगा। लेकिन अभी क्या है, अपन कम डाटा है अपने पास, आपके पास हो सकता है बहुत सारा डाटा, तो अब आप क्या कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ से नीचे तक सिलेक्ट करोगे, दिक्कत आएगी, अब आपको पता ही नहीं है कैसा, मतलब कहाँ तक सिलेक्ट करना है कहाँ तक नहीं करना, तो आप क्या यूज कर सकते हो, ड्रैग ही कर सकते हो। अगर आपने जैसे कि इतना जो दिख रहा एरिया उसको तो आपने ऑटो सम कर दिया, बाकी आप यहाँ पर क्लिक करके साइड में माउस पॉइंटर ले जाकर भी ड्रैग करोगे तब भी आ जाता है, जरूरी नहीं आप फर्स्ट सेल से ड्रैग करो, जिस भी सेल में फॉर्मूला है साइड में माउस पॉइंटर लेकर जाइए और ड्रैग कर दीजिए। और दूसरी चीज आप ये भी कर सकते हो, जैसे कि अपन ने क्या किया, एक ही सेल में फॉर्मूला लगाया है, जैसे अपन ने यहाँ पर डबल क्लिक किया था, जहां तक आपका डाटा है वहां तक वो ऑटोमेटिक ले लेता है, साइड में माउस पॉइंटर लेकर जाइए डबल क्लिक कर दीजिए, देखिए ऑटोमेटिक ले लिया, ना एक सेल ज्यादा ना एक सेल कम, इस तरह से भी वो पूरे में फिल कर देगा अगर वैसे आपको सिलेक्ट करने में दिक्कत आती है तो। टोटल के बाद अपन क्या निकालते हैं, परसेंटेज, ठीक है। अब अपन यहाँ पर निकाल लेंगे परसेंटेज, इसको अपन थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। परसेंटेज आप किसके बेस पर निकालते हो हमेशा, मतलब नॉर्मली आप परसेंटेज कैसे निकालते हो, आपके जितने भी टोटल नंबर रहते हैं उसके अकॉर्डिंग निकालते हैं, और जो टोटल सब्जेक्ट के नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर भी अपन वही करेंगे, अभी तक अपन क्या कर रहे थे, फंक्शन का यूज कर रहे थे कि रेंज बिटवीन एक फंक्शन है और सम एवरेज ये सभी क्या है, एक फंक्शन है, लेकिन यहाँ पर अपन नॉर्मली फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, इक्वल लगाएंगे सबसे पहले, फिर इसके बाद अपन क्या करते हैं टोटल, मतलब अपन नॉर्मली क्या करते हैं टोटल लेते हैं, इंटू करते हैं 100 से और डिवाइड कर देते हैं जितने भी अपने टोटल सब्जेक्ट के नंबर रहते हैं। तो यहाँ पर भी आपको वही करना, सबसे पहले आपको इक्वल लगाना है और टोटल का सेल एड्रेस लेना है, टोटल के सेल एड्रेस पर क्लिक कर देंगे तो टोटल का यहाँ पर देखिए सेल एड्रेस आ गए। अगर नहीं चाहते आप इस तरह से नहीं ले पा रहे हैं तो आप इसका सेल एड्रेस देख कर भी टाइप कर सकते हैं J3, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इंटू का साइन लगा रहे हैं, इंटू का साइन रहता है यहाँ पर ये जो स्टार बना रहता है ये वाला, इसमें आपको इस तरह का साइन नहीं मिलेगा, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद दिख रहा है ना सबको, ठीक है। इसके बाद अपन यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ से डिवाइडेड का साइन लगाएंगे, स्लैश लगाएंगे, कितने टोटल सब्जेक्ट है 6 है, मतलब 600 नंबर, ठीक है। तो अपन यहाँ पर लिख देंगे 600 और एंटर कर देंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अपने टोटल परसेंटेज आ गए, इसी स्टूडेंट के जो है टोटल परसेंटेज आ गए हैं अपने सामने। अब अगर आप ये सोचते हैं कि हम इक्वल लगाकर टोटल देख कर भी तो लिख सकते हैं, अगर आप ऐसा करते हो, जैसे कि हमने 334 × 100 डिवाइडेड बाय 600 लिख दिया, एंटर कर दिया, अभी भी सही आ रहा है, लेकिन बाद में इस स्टूडेंट के नंबर कम या ज्यादा होते हैं तो ये तो चेंज हो गया टोटल, लेकिन परसेंटेज चेंज हुआ नहीं हुआ, इसलिए अपन सेल एड्रेस लेते हैं। सेल एड्रेस क्या होता है, सेल एड्रेस लेने से क्या होता है, आपके सेल्स एक दूसरे से लिंक हो जाते हैं, लिंक होने की वजह से अगर इस सेल में कोई चेंजेस होगा तो ये सेल एड्रेस जिसमें भी यूज किया गया है उसमें भी चेंज होगा, इसलिए अपन सेल एड्रेस लेते हैं। और इस फॉर्मूले को आप ड्रैग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप इसको ड्रैग करोगे तो यही का यही ड्रैग होगा सभी में, इसलिए अपन ने यहाँ पर सेल एड्रेस का यूज किया है। तो इक्वल लगाएंगे, टोटल के सेल एड्रेस पर क्लिक करेंगे, इंटू 100
और डिवाइडेड बाय 600 और एंटर कर दें। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर साइड में माउस पॉइंटर लेकर जाइए, डबल क्लिक कर दीजिए तो नीचे तक आ गया, और आपको जैसा सही लगे ड्रैग भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद परसेंटेज के बाद अब अपन क्या निकालते हैं, ग्रेड, डिवीजन, सबली है या नहीं है स्टूडेंट की, ये सब। तो अब अपन निकालेंगे यहाँ पर इनकी ग्रेड, सॉरी डिवीजन। ठीक है, हम यहाँ पर डिवीजन निकालेंगे। डिवीजन मतलब किसी भी स्टूडेंट की, कोई भी एक स्टूडेंट है, आप देखकर तो बता सकते हो उसकी फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, लेकिन अपन को यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट की निकालनी है। आप हर एक की आप देख देख कर तो टाइप नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो कि ऑटोमेटिक, जैसे अभी तक अपन ने टोटल निकाला है, परसेंटेज निकाला है, इसी तरह से डिवीजन आना चाहिए। तो यहाँ पर अपने पास चार कंडीशन बन रही है, या तो इसकी फर्स्ट डिवीजन हो सकती है, सेकेंड हो सकती है, थर्ड हो सकती है, या फिर ये स्टूडेंट फेल हो सकते हैं, मतलब सभी में से कोई भी। इस तरह से जहां पर भी इस तरह की कंडीशन बनती है, जहां आपके पास तीन से चार कंडीशन बनती है लेकिन आंसर सिर्फ एक सही होता है, तो वहां पर आप एक फंक्शन यूज कर सकते हो जिसका नाम है इफ। तो उसके लिए आप लगाओगे इक्वल और इफ। इफ इफ का मतलब क्या होता है, यह भी। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, कंडीशन दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, क्योंकि अपने पास चार कंडीशन बन रही है। अब आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखना, जरूरी नहीं है कि आप जहाँ पर वर्क करो वहाँ मार्कशीट बनाने वाला ही वर्क हो, कुछ अदर वर्क हो सकता है, लेकिन आपको क्या ध्यान में रखना है, अगर इससे ज्यादा कंडीशन बन रही है तो आप वहां पर इस वाला फंक्शन यूज कर सकते हो। ठीक है, इक्वल लगाकर हमने यहाँ पर यूज किया इफ, इस पर आप डबल क्लिक भी कर सकते हैं, वैसे आपका नॉर्मल इतना ही है। स्टेप के साथ आप ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, कोई भी आप फंक्शन लगाते हैं तो आपको ब्रैकेट स्टार्ट करना ही होता है। डिवीजन किसके बेस पर आती है, परसेंटेज के बेस पर, जैसे किसी के 60 है, 60 से ज्यादा है तो अपन बोलते हैं फर्स्ट डिवीजन है, या फिर कम है तो सेकंड डिवीजन है, तो इसलिए अपन यहाँ पर परसेंटेज का सेल एड्रेस लेंगे। ठीक है, अब अपन ने क्या लगाया यहाँ पर, इफ, यानी कि यदि इस सेल में सेल एड्रेस दिया है, यदि इस सेल में, अब अपन यहाँ पर लगाएंगे बड़ा है, ग्रेटर देन लगाएंगे। ठीक है, अगर इस सेल में बड़ा है बराबर है, ठीक है, इतना है सेल में। इफ का मतलब क्या हो गया, यदि ये सेल एड्रेस दे दिया मतलब इस सेल में, ग्रेटर देन और इक्वल का मतलब क्या है, बड़ा है या बराबर। अब अपन यहाँ पर क्या लगाना चाहिए, यहाँ पर अपन पहली कंडीशन दे रहे हैं तो कॉमा लगाकर डबल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा आपको कैसे लगाना है, शिफ्ट के साथ आपको ये दबाना है। आप अगर इस तरह से लगाओ, एक बार दबाइए, दो बार दबा दिया, दो बार आ तो गया लेकिन वो सही नहीं माना जाएगा, आपको कैसा बनाना है, शिफ्ट के साथ एक बार में ही डबल इनवर्टेड कॉमा आ जाना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर आप क्या चाहते हो कि अगर इस सेल में बड़ा है बराबर है, ठीक है, तो हमारा, सॉरी, बड़ा है बराबर है किससे, 60 से। ठीक है, अगर इस सेल में बड़ा है बराबर है 60 से, फिर अपन लगाएंगे कॉमा, फिर इसके बाद अपन लगाएंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा, जो भी आपको आउटपुट में चाहिए, यानी आपको आंसर में चाहिए, वो आप किसके अंदर लिखोगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर आना चाहिए फर्स्ट और डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये हो गई हमारी पहली कंडीशन कि अगर इस सेल में बड़ा है बराबर है 60 से तो आंसर आना चाहिए फर्स्ट। ठीक है, अगर आप जैसे कि आप नदी, तालाब या कुछ लिखते हो तो क्या करते हो, कोमा लगा देते हो बीच में। इसी तरह से अब हमारी पहली कंडीशन हो गई, अब हम दूसरी कंडीशन लिखते हैं, तो दूसरी कंडीशन लगाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कोमा लगा रहे हैं। ठीक है, ये वाला कोमा किसका है, दूसरी कंडीशन लगाने का। अब दूसरी कंडीशन सेम हम इसी की तरह देंगे, अगर आपको एक बार देना आ गया तो आप दूसरी, तीसरी, चौथी सभी दे सकते हो। अब अपन को सेम पहला वाला फॉर्मूला देखते हैं, सबसे पहले अपन ने क्या लगाया था, इफ। अब इक्वल स्टेप आपको स्टार्टिंग में लगाना, बार बार नहीं लगाना। फिर इसके बाद अपन ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फिर इसके बाद आपने क्या दिया था, परसेंटेज का सेल एड्रेस, तो आप इस पर क्लिक भी कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट इसका सेल एड्रेस भी लिख सकते हैं। ठीक है, ले लिया उसने A3। अब इसके बाद अपन ने यहाँ पर क्या दिया था, ग्रेटर देन और इक्वल, तो यहाँ पर कितने में, अभी पहले अपन 60 या 60 से ज्यादा तो दे चुके हैं, अब अपन दूसरी कंडीशन देंगे कि अगर इस सेल में ग्रेटर देन और इक्वल, फिर से हम दे रहे हैं क्या आना चाहिए, अगर 45 या 45 से ज्यादा है तो आनी चाहिए सेकेंड डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया अपना, अपन ने 60 की जगह क्या कर दिया, 45। फिर इसके बाद अपन ने क्या लगाया था, कोमा, हमें आंसर क्या आना चाहिए, सेकेंड, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे सेकेंड और डबल इन